हाय, मेरा नाम है रजत। माफ कीजिएगा, आज आपको मेरे शब्द कुछ कड़वे लग सकते हैं। अगर आप हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बिलीव्स को टूटता देख सकें तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जिस चीज को आप सच मानकर बैठे हैं वो चीज गलत भी हो सकती है। अगर आप अपने विचारों को बदल नहीं सकते या बदलना नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो शायद आपके बिलीव से, आपके विचारों से मैच ना करे। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बिकॉज टिल द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक योर लाइफ बेटर। नवरात्र आने वाले हैं और इस फेस्टिवल पर पूरे देश विदेश में उपवास यानी फास्टिंग का ट्रेडिशन है। पर उपवास की सही जानकारी ना होने के कारण लोग इसे अपने ही मनचाहे तरीके से करते हैं। कुछ लोग उपवास के नाम पर नॉर्मल दिन से ज्यादा खाते हैं, और कुछ लोग उपवास के नाम पर पूरा दिन कुछ नहीं खाते और रात में एक साथ सारा खाना खाते हैं। कितनी अजीब बात है कि लोग उपवास तो करना चाहते हैं पर भूखा नहीं रहना चाहते। उपवास का एक नियम होता है कि आपको सबसे पहले अन्न का त्याग करना है, यानी ग्रेन्स जैसे दाल, चावल, रोटी या आटे से बनी कोई भी चीज आपको नहीं खानी होती। पर लोगों को तो खाना है, तो इन्होंने इन सब का भी जुगाड़ ढूंढ रखा है। अब वो कुट्टू के आटे की कचौड़ी खाते हैं, सिंगाड़े के आटे की पूड़ियां खाते हैं, समा के चावल की खीर खाते हैं, तले हुए आलू पर व्रत का नमक डालते हैं, क्योंकि नॉर्मल नमक तो वो खा नहीं सकते ना। एक बात आपको समझनी होगी कि उपवास एक स्पिरिचुअल और साइंटिफिक टेक्निक है। अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो ये आपकी बॉडी पर उल्टा असर भी डाल सकता है या आपकी बॉडी को अंदर से बुरी तरह डैमेज कर सकता है। इसलिए उपवास को बिना समझे, उपवास की साइंस को बिना समझे अगर आप उपवास करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। और अगर आपको उपवास की साइंस को समझना है तो मेरी ये वीडियो हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, अपने शरीर के अंदर से गंदगी को साफ कैसे करें, जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे उपवास आपकी सारी बीमारियों से लड़ता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करता है और आपकी बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करता है, सारी गंदगी को साफ करता है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऐसा आई बटन जो ऊपर राइट टॉप राइट कॉर्नर पे है, आप उसको क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको उपवास करना हो, चाहे वो एक दिन का हो, दो दिन का हो या नौ दिनों का, तो आप उसे कैसे करें कि आपको और आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। पर उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि हमारी जीवनी शक्ति, जो हमारी एनर्जी है, वो कैसे काम करती है। आपकी जीवनी शक्ति एक बार में एक ही काम कर सकती है, या तो वो आपका खाना डाइजेस्ट करेगी या आपके शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इस टॉपिक पर मैंने डिटेल वीडियो पहले से ही बनाकर रखी है, जिसका नाम है हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। उपवास के दौरान कुछ न खाने से हमारे शरीर में एक कमजोरी सी फील होती है, हमारे पेट में एक डिस्टर्बेंस सा क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारा जी मचलने लगता है, हमारे पेट में जलन होने लगती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भूख से मरने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जीवनी शक्ति हमारी बॉडी को अंदर से साफ कर रही है और वो जो गंदगी है वो बॉडी से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही है। उपवास के दौरान आपको उल्टियां हो सकती हैं, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको पसीना ज्यादा आएगा, क्योंकि बॉडी पूरी कोशिश करती है अपने अंदर से गंदगी को बाहर निकालने की। इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है और आपको दवाई भी नहीं खानी, आपको बॉडी की हेल्प करनी है कि ये सारी गंदगी आपके अंदर से बाहर निकल सके। कुछ लोग ये सिम्टम्स देख के घबरा जाते हैं और कुछ ना कुछ खा लेते हैं और अपना उपवास तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो जीवनी शक्ति जो आपकी बॉडी की सफाई कर रही थी वो अब वापस से डाइजेशन में लग जाती है और आपको नॉर्मल फील होता है और आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं। पर जो गंदगी आपकी बॉडी में है वो कभी साफ नहीं होती और फ्यूचर में वो यही गंदगी एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने पूरी लाइफ अपनी बॉडी को कचरा खिला खिला कर इतना टॉर्चर किया है कि अब तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको हॉस्पिटल में जाकर महंगे महंगे बिल्स भरकर बहुत सारी दवाइयां खाकर तकलीफ उठानी है, या फिर अपनी बॉडी को थोड़ा डिसिप्लिन में लाकर अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, फास्टिंग करके उपवास करके अपने बॉडी को अंदर से साफ करना है। इसमें थोड़ी सी ही प्रॉब्लम होती है, और वो भी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है ना
कम खाने की, इसको धीरे धीरे आपको आदत बनाना होगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या चुनना है, हॉस्पिटल का बेड या फिर लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन। चूज वाइजली। फास्टिंग की साइंस को बिना समझे अगर आप इसे करते हैं तो बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आते ही आप इसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले फास्टिंग की साइंस को अच्छे से समझ लें और इसके बाद ही इसे करें, इसके बहुत फायदे हैं। अब उपवास का सही फायदा लेने के लिए उपवास को एक सीरीज, एक पैटर्न में करना होता है। अगर आप एकदम से खाना बंद कर देंगे तो बॉडी को झटका लगता है, इसी तरह उपवास के बाद अगर आप एकदम से खाना शुरू कर देंगे तो भी बॉडी को झटका लगता है। बॉडी को लगता है कि एक दिन पहले मुझे इतना सारा खाना दे रहा था और एकदम अब कुछ नहीं दे रहा, तो इसीलिए उपवास को हमेशा एक पैटर्न में, एक सीरीज में करना चाहिए। मतलब आप लेस ईटिंग कीजिए और उसके बाद नो ईटिंग कीजिए जिस दिन आपका फास्ट हो, और वापस से आप लेस ईटिंग पे आइए और उसके बाद आप नॉर्मल दिन से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको थर्सडे का फास्ट करना है तो आपका नो ईटिंग डे होगा, तो उससे एक दिन पहले मतलब वेडनेसडे आपका लेस ईटिंग होगा और उससे एक दिन बाद भी आपका लेस ईटिंग होगा। तो ये अब हमें कैसे करना है, जो हमारा लेस ईटिंग डे होगा उसमें हम अन्न नहीं खाएंगे, मतलब दाल चावल रोटी ये सब हम नहीं खाएंगे, हम अपना पूरा दिन हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सूप हम ये खाकर निकालेंगे, ऐसी चीज़ जो जल्दी डाइजेस्ट होती है। उसके बाद हमारी बॉडी को पता चलेगा कि हाँ अभी हमें कम खाना मिलेगा, तो वो बॉडी हमारी प्रिपेयर हो जाएगी अगले दिन के लिए, मतलब हमारे नो ईटिंग फास्टिंग डे के लिए, थर्सडे के लिए। तो 24 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाया, उसके बाद एकदम से हमें खाना स्टार्ट नहीं करना। वापस से फ्राइडे हमारा लेस ईटिंग होगा, लेस ईटिंग में हम वापस से फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, सूप पियेंगे, हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो जल्दी से डाइजेस्ट होती है, और उसके बाद सैटरडे से हम अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर देंगे। इस तरह अगर आप एक सीरीज में फास्ट करते हैं तो बॉडी प्रिपेयर रहती है फास्टिंग के लिए और आपको तकलीफ कम होती है। आपने नोटिस किया होगा ना, जब आप उपवास करते हैं तो आपको बड़ी जोर से भूख लगती है, आपको बहुत मन करता है कुछ खा लें, तकलीफ़ ज़्यादा होती है क्योंकि आप एकदम से खाने को बंद कर देते हैं और आप एकदम से उपवास के बाद खाना खाने लग जाते हैं, इससे भी बॉडी को झटका लगता है। इसलिए सबसे पहले लेस ईटिंग, देन नो ईटिंग, देन लेस ईटिंग, इससे आपका उपवास एकदम परफेक्ट रहेगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जिस तरह गाड़ी को स्मूथ चलाने के लिए आपको एक एक करके गियर बदलना होता है, उसी तरह है आपका शरीर, आपको धीरे धीरे खाने को कम करना है और ग्रेजुअली खाने को खाना है। अगर आपने पहले गियर से सीधा फोर्थ गियर डालने की कोशिश की तो गाड़ी को लगता है झटका और वो रुक जाती है, इसी तरह शरीर को भी झटका लगता है अगर आप एकदम से खाना खाएंगे या एकदम से खाना छोड़ेंगे। तो इसीलिए आप एक ग्रेजुअल स्टेज में खाने को कम कीजिए और ग्रेजुअली उसे खाइए, तो इस तरह आपको उपवास का मैक्सिमम फायदा होगा। इसी तरह होते हैं नवरात्र के फास्ट। अगर आपको 9 दिन का उपवास करना है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको किस चीज पर उपवास करना है, क्या आपको सिर्फ फल और सब्जियां खानी है या फिर आपको हनी वाटर पे उपवास करना है या फिर सिर्फ हवा पे उपवास करना है। ये समझने के बाद आपको 3 दिन पहले से अपना खाना कम करना है, जिससे कि बॉडी को पता लगने लगे कि भैया अब 9 दिन कुछ नहीं मिलने वाला, और उसको झटका ना लगे, वो प्रिपेयर हो जाए, और उसके बाद 9 दिन का उपवास आप कीजिए, भले ही आप हनी वाटर पे कीजिए, सिर्फ फल खाइए और धीरे धीरे आप अपना खाना बढ़ाइए। 9 दिन के बाद भी आप 3 दिन तक धीरे धीरे आप अपना खाना बढ़ाएंगे। ओके, एकदम से स्टार्ट, एकदम से बंद नहीं करना। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, पर ये नवरात्र के फास्ट नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते, ये उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बहुत लंबे समय से फास्टिंग करते आए हैं। नवरात्र के फास्ट अगर आप सही ढंग से करते हैं तो इसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपको गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, आपको सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी, आपका माइंड एकदम फोकस्ड होगा, आपके थॉट्स एकदम मिनिमम होंगे, इसके बहुत सारे ज़्यादा फायदे हैं। पर ये नवरात्र के फास्ट नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं जो लंबे समय से फास्टिंग करते आए हैं, जिनकी बॉडी को आदत है कम खाने की, ना खाने की। अगर आप फूड लवर हैं, अगर आप फूडी हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नवरात्र का फास्ट करूंगा उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, मतलब सही तरीके से, तो आई थिंक वो बहुत आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आप शुरुआत कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से, एक दिन के फास्टिंग से, 2 दिन के फास्टिंग से, इससे आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी अडाप्ट होगी और तब आप तैयार हो जाएंगे 9 दिनों के फास्ट, नवरात्र फास्टिंग के लिए। अगर आप दिल से सच में हेल्दी होना चाहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फास्टिंग आपके रूटीन में होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से नवरात्र का फास्ट करें,
आप स्टार्ट कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से, जो कि 16 आवर्स फास्टिंग होती है, और मैंने इसकी वीडियो सेपरेटली बना रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट मेक योर लाइफ बेटर चेक कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऐसा आई बटन जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे है उस पे भी आप क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा। उस सीरीज को देखिए, उस प्लेलिस्ट को देखिए और आपको सब समझ आ जाएगा कि फास्टिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और अगर आपको ये वीडियो, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही किसी लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से इसी चैनल पर। तब तक के लिए हैप्पी फास्टिंग।